हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बैंक जॉब लेना आपका एक सपना है, बैंक में काम करना एक सपना है, तो इस पूरे वीडियो क्लास को ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आपने नोटिस किया होगा कि कुछ एस्पिरेंट्स का 4 से 6 महीने की तैयारी में बैंक एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है, बैंक प्री एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है, जबकि कुछ एस्पिरेंट्स का 3 से 4 साल की तैयारी के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। कभी उनका सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकल पाता, कभी ओवरऑल कट ऑफ नहीं निकल पाता, कभी उनका GDPI या डिस्क्रिप्टिव नहीं निकल पाता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ एस्पिरेंट्स को। अब देखिए, बैंकिंग एग्ज़ाम में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है? यदि आप ऑब्जेक्टिवली देखें, यदि आप ईमानदारी से देखें, तो 90% केसेस में सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल है, जो हर्डल है, वो है इंग्लिश सेक्शन। और इंग्लिश सेक्शन की तैयारी किस तरीके से की जाए, ये काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। वो गलत तरीके से इंग्लिश सेक्शन की तैयारी करते हैं, वो ग्रामर को पढ़ते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम में। देखिए, ग्रामर आती है बैंकिंग एग्ज़ाम में, लेकिन थ्योरेटिकल ग्रामर नहीं आती, अप्लाइड ग्रामर आती है। ग्रामर को अप्लाई किस तरीके से करना है रियल लाइफ सिचुएशंस में, ये बैंकिंग एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। आपसे ये नहीं पूछा जाता कि नाउन के टाइप क्या होते हैं, या कॉमन नाउन क्या होती है, या प्रोनाउन के टाइप क्या हैं, या पार्टिसिपल क्या होता है। ये सारी चीज़ें ना पूछते हुए बैंकिंग एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जाता है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। पार्टिसिपल किस तरीके से अप्लाई होगा, ठीक है, प्रोनाउन किस तरीके से अप्लाई होगा, इनके इनके एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, अप्लाइड ग्रामर आपसे पूछी जाती है, जो कि स्टूडेंट्स नहीं सीख पाते या नहीं पढ़ पाते, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक गलत अप्रोच स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, इसका ये एक मेन रीज़न है इंग्लिश सेक्शन में सही स्कोर नहीं कर पाने का। अब देखिए, इंग्लिश सेक्शन में क्या पूछा जाता है बैंकिंग एग्ज़ाम में? इंग्लिश सेक्शन में बैंकिंग के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, उसमें लॉजिकल रीजनिंग, वोकेबलरी, आपकी रीडिंग हैबिट और ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं। यानी बैंकिंग में इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन होंगे, उसमें आपकी रीडिंग हैबिट, आपकी वोकेबलरी और आपकी लॉजिकल रीजनिंग को चेक किया जाएगा सारे क्वेश्चंस में। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा और सिंपल सा आपने पढ़ा और उसको आपने सॉल्व कर दिया। उसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग को अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ताकि तभी आप उस क्वेश्चन को फास्ट फास्ट जल्दी कर पाएंगे। बैंकिंग एग्ज़ाम में इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते हैं, वो काफ़ी लेंदी होते हैं और ट्रिकी होते हैं, ठीक है। तो यदि आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, तो इन क्वेश्चंस को आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, और सॉल्व करना तो भूल जाइए। जब आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे? और वहाँ पर टाइम का रिस्ट्रिक्शन भी रहता है, जैसे 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चंस करने रहते हैं। तो इंग्लिश के क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से करना है, और इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, जिसमें आपकी लॉजिकल रीजनिंग चेक हो, जिसमें आपकी वोकेबलरी चेक हो, जिसमें आपकी अपराइट ग्रामर चेक हो, और जिसमें आपकी रीडिंग स्किल्स चेक हो। ये 4 चीज़ें एक क्वेश्चन में बैंकिंग एग्ज़ाम में चेक की जाती हैं। और बैंकिंग एग्ज़ाम का एक पैटर्न और है, बैंकिंग एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे अनप्रिडिक्टेबल नेचर के होते हैं। उनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। जैसे आपने प्रैक्टिस की है पैराजम्बल की, लेकिन पैराजम्बल वो घुमा के देगा, आपको ट्विस्ट करके देगा। क्लोज टेस्ट की आपने आपने ट्रेडिशनल मेथड की प्रैक्टिस की है, लेकिन वो क्लोज टेस्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इंसर्ट कर देगा। तो क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके इसलिए दिया जाता है ताकि आपका नेचुरल एप्टीट्यूड चेक किया जा सके, आपका जो नेचुरल टैलेंट है, आपका जो फ्रेश टैलेंट है, उसको चेक किया जा सके। बैंकिंग एग्ज़ाम में ऐसे एस्पिरेंट्स चाहिए जिनकी जो नॉलेज हो वो ओरिजिनल नॉलेज हो, एक फ्रेश टैलेंट हो, और उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड हो। इस तरह के एस्पिरेंट्स चाहिए, वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वो एक अच्छे क्राइसिस मैनेजर हो। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वहाँ पर आपको, मतलब इंग्लिश में आपको रीजनिंग को अप्लाई करना पड़ेगा, लॉजिकल रीजनिंग और इन सारी चीज़ों को अप्लाई आपको करना पड़ेगा, तभी आप बैंकिंग में इंग्लिश सेक्शन को आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकल पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने रिसर्च बेस्ड एक कोर्स क्रिएट किया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस कोर्स में इनरोल्ड हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इस कोर्स से। तो इस कोर्स में मैं ये सारी चीज़ें बताता हूँ कि इंग्लिश के क्वेश्चन को किस तरीके से लॉजिकली सॉल्व करना है, किस तरीके से अप्लाइड ग्रामर को पढ़ना है, किस तरीके से वोकेबलरी को याद करना है, और किस तरीके से रीडिंग हैबिट अपनी डेवलप करनी है, ठीक है। तो इस कोर्स में मैं एक क्वेश्चन को आप 4 सेकेंड में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं 90% केसेस में,
ये मैं सारा बताता हूँ, और इसमें मैं रियल क्वेश्चंस लेता हूँ, जो बैंकिंग के रियल क्वेश्चंस रहते हैं वो मैं इसमें लेता हूँ इस ऑनलाइन वीडियो कोर्स में। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें मैं आपको जो तैयारी कराता हूँ वो इंटीग्रेटेड तरीके से तैयारी कराता हूँ, यानी ऐसा नहीं है कि प्री की अलग या मेंस की अलग, इसमें इंटीग्रेटेड तरीके से तैयारी होती है, प्री मेंस की साथ में इसमें तैयारी होती है, और डिस्क्रिप्टिव की बहुत डिटेल में इस कोर्स में मैं तैयारी कराता हूँ कि किस तरीके से आपको एक लेटर को लिखना है, किस तरीके से ऐसे को लिखना है, ठीक है, फॉर्मल आपको लिखना है या इनफॉर्मल लिखना है, और इसमें मैं इंग्लिश की स्ट्रेटजी बताता हूँ कि किस तरीके से क्या आपका सीक्वेंस होना चाहिए इंग्लिश सेक्शन को करने का। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सबसे पहले करते हैं, जो कि सबसे गलत स्ट्रेटजी है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को आप पढ़ ही नहीं पाएंगे 20 मिनट में, 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने होते हैं, और यदि आपने पढ़ भी लिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आप कर दें। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे ही आपने सबसे पहले किया तो वहाँ पर आप ट्रैप हो जाएंगे और क्वेश्चन पेपर आपका छूट जाएगा, इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सबसे बाद में करना है, और उसमें भी वोकेबलरी के क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में वोकेबलरी के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, लेकिन पैसेज को आपको बाद में करना है यदि आपको टाइम परमिट करता है तो। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो होता है बैंकिंग एग्जाम का, वो एसएससी से बिल्कुल अलग होता है, इसमें इन्फेरेंस क्वेश्चन, इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ना कि फैक्चुअल क्वेश्चंस। तो इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को यदि आप करते हैं, अनलेस अनटिल आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे उसको। तो इसलिए इसकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि पहले आपको स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराजम्बल और इस तरह के क्वेश्चंस करना है, बाद में यदि टाइम आपको परमिट करता है तो आपको पैसेज करना है। ये एक अप्रोच होनी चाहिए जिसको सभी सभी रैंकर्स और जो सेलेक्ट होते हैं वो सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो इस कोर्स में आपको बेनिफिट क्या होगा, इस कोर्स में आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको आपको रियल क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाता हूँ, रियल लाइफ जो बैंकिंग एग्जाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं इसमें आपको सॉल्व करवाता हूँ, और इसका डिटेल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए ये टॉपिक सारे इसमें कवर होते हैं, यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं कोर्स कंटेंट इसमें मैं कराता हूँ। जैसे न्यू पैटर्न क्वेश्चन वीडियो क्लासेस रहते हैं इसमें, न्यू पैटर्न वोकेबलरी ट्रिक्स रहती हैं, लेटेस्ट पैटर्न पैराजिम्बल्स रहते हैं, लेटेस्ट पैटर्न क्लोजेस्ट ट्रिक्स रहती हैं, अप्लाइड ग्रामर जिसका मैंने अभी मेंशन किया था, अप्लाइड ग्रामर मैं बताता हूँ, मॉक टेस्ट कराता हूँ इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे वीडियो सॉल्यूशन इसमें मिलेंगे आपको, जो प्री में जो रियल क्वेश्चंस आए हैं, मेंस में जो रियल क्वेश्चंस आए हैं वो सारे मैं यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ, आरसी की मैं ट्रिक्स बताता हूँ, फिलर्स की ट्रिक्स बताता हूँ, और इसमें मैं जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जैसे आपका करेंट अफेयर्स हुआ, मैथ्स या रीजनिंग हुआ, उनके लिए भी मैं आपको गाइड करता हूँ, आपको बताता हूँ कि कहाँ से आपको पढ़ना है, मैथ्स रीजनिंग कहाँ से आपको बेस्ट रिसोर्सेज मिल सकते हैं, करंट अफेयर्स के कहाँ से आपको बेस्ट रिसोर्सेज मिल सकते हैं, तो ये भी मैं सारा इस पूरे कोर्स में आपको बताता हूँ। और इस कोर्स की जो फीस है हमने इतनी कम रखी है कि हर स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकता है। इस कोर्स का जो वैलिडिटी रखी है मैंने वो 1 साल की रखी है, और मेरा ऐसा मानना है कि 1 साल में कम से कम 10 से 12 बैंकिंग एग्ज़ाम आते हैं, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, फिर आईबीपीएस पीओ, फिर क्लर्क, फिर आरआरबी, फिर आरबीआई, फिर इंश्योरेंस एग्जाम्स, और 1 साल इसकी तैयारी करते हैं इस कोर्स के थ्रू आप इंग्लिश सेक्शन की, और 10 एग्ज़ाम आप देते हैं तो 1 या 2 एग्ज़ाम में सिलेक्शन निश्चित रूप से आपका हो सकता है, और होता है ऐसा, क्योंकि वहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, ठीक है। तो इसलिए ये कोर्स बहुत ही यूज़फुल है सभी एस्पिरेंट्स के लिए, और इसमें पूरा रियल गाइडेंस दिया जाता है। तो आज मैं सभी एस्पिरेंट्स के लिए और सभी सब्सक्राइबर्स के लिए इसमें एक ऑफ़र मैं स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ कि यदि आप इस बैंक पीओ के कोर्स को ज्वाइन करते हैं केवल आज, तो इसमें मैं एक बैंक क्लर्क का एक अलग से एक कोर्स है जो कि एक सेपरेट कोर्स है, वो मैं पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दूंगा, और इसमें इंग्लिश एडवांटेज टीम ने 11 ई बुक्स क्रिएट की हैं, जिसमें से 6 ई बुक्स वोकेबलरी की हैं और 5 ई बुक्स करेंट अफेयर्स और जीके की हैं, तो वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, यानी इसमें दो चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी, एक बैंक क्लर्क का फुल कोर्स 1 साल के लिए, और प्लस हमारी ई बुक्स 11 ई बुक्स जो हैं वोकेबलरी की। अब देखिए वोकेबलरी में भी आपको क्या पढ़ना है, वोकेबलरी में भी आपको टारगेटेड वोकेबलरी पढ़नी है जो कि एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं सभी एग्जामिनेशंस में, काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, जैसे डेट्रीमेंटल एक वर्ड है, परनीसियस एक वर्ड है, अवेटेड एक वर्ड है,
ये वर्ड्स ऐसे हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं सारे एग्जाम्स, जो कोर वर्ड्स हैं, तो इन वर्ड्स को आपको पढ़ना है, और इनकी पीडीएफ्स, इनकी ई बुक्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इस कोर्स में। तो हाईली इफेक्टिव ये कोर्स है और कॉस्ट इफेक्टिव है, हाईली कॉस्ट इफेक्टिव। हम यहाँ पर आपसे जो प्राइस लेते हैं 2450, ये हमारी जो साइट है, हमारी जो सर्वर की कॉस्ट है, केवल उसकी प्राइस हम लेते हैं। जैसे आपका जो कोर्स चलेगा वो यहाँ पर चलेगा, यहाँ से आप लॉग इन कर पाएंगे, और लॉग इन आईडी और पासवर्ड हम आपको भेजेंगे जब यहाँ से आप पेमेंट करेंगे। तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि किस तरीके से आपको ये सारा कोर्स आप देख सकते हैं। इसको लैपटॉप पर, टैबलेट पर, मोबाइल पर आप चला सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इन सारे वीडियो क्लासेस को देख पाएंगे। इसमें कोई टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, इसमें आपको कोई कोचिंग क्लासेस में नहीं जाना है, आपको कम्यूट नहीं करना है, और घर में बैठ के शांति से आप फोकस तरीके से इसमें आप तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें ये सेक्शंस हैं, और सेक्शंस अभी और इसमें क्रिएट होंगे। जैसे ये यहाँ पर डेली क्लासेस अपलोड होती हैं, रीसेंट इंग्लिश क्लासेस आप देख सकते हैं। तो इसमें सारे रियल क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराता हूँ। जैसे ये कल मैंने अपलोड किया है आरसी इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस, इडियम्स, सेंटेंस फिलर्स, न्यू पैटर्न क्वेश्चन, न्यू पैटर्न क्वेश्चन, देखिए कितने सारे न्यू पैटर्न क्वेश्चंस, ट्रिपल फिलर, ये एक नया पैटर्न आया है, ये मैं इसमें कराता हूँ। हिंदू सीरीज़ इसमें मैं सॉल्व कराता हूँ आपकी रीडिंग स्किल्स के लिए। वर्ड रिप्लेसमेंट, लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कि आपको इसमें कितना एक्सपोजर मिलेगा इंग्लिश सेक्शन में। ये देखिए कितने सारे वीडियो क्लासेस इसमें मिलेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उसमें आसानी से उन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। और बहुत डिटेल में इसमें पढ़ाया जाता है। देखिए इंग्लिश बैंकिंग के नाम से एक सेक्शन है, यहाँ पर मिक्स टारगेट क्लासेस, टिप्स एंड स्ट्रेटजी के अलग वीडियोज़ हैं इसमें, हिंदू बूस्टर सीरीज़ है, फ्रेज रिप्लेसमेंट है, बैंक पीओ मीन्स के अलग वीडियो क्लासेस हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के अलग वीडियो क्लासेस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलग वीडियो क्लासेस हैं, वोकैबुलरी के अलग वीडियो क्लासेस हैं। तो कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कॉन्फिडेंटली उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ग्रामर बैंकिंग, ये सारा पूरा अप्लाइड ग्रामर यहाँ पर पढ़ाई जाती है, जो जो बैंकिंग में आता है, जैसे एडवर्ब बहुत आता है बैंकिंग में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, पर्टिकुलरली बैंक क्लर्क एग्जाम में प्रपोजिशंस के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, कंडीशनल के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, टेंस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कितना मोटिवेशनल वीडियोज़ अलग हैं, करेंट अफेयर्स के पीडीएफ्स इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में हम प्रोवाइड कराते हैं, और एक जेन्युइन वैल्यू सभी एस्पिरेंट्स को मिलती है। इसके यदि डेमो क्लासेस आप डाउनलोड करना चाहें तो इस पूरा पेज का, ये इंस्टामोजो का पेज है, और ये सिक्योर्ड पेमेंट लिंक है, यहाँ से आप जब पेमेंट करेंगे तो स्मूथली आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से। और ये मेरा पेटीएम का नंबर है, इस पर आप बात भी कर सकते हैं। ये जो नंबर है ये व्हाट्सएप और पेटीएम का नंबर है, और यही गूगल पे का भी नंबर है, आप इससे भी पे कर सकते हैं। और यहाँ पर पूरा डिटेल आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, और यहाँ पर आप आ जाएंगे। यहाँ से आप फ्री डेमो क्लासेस भी डाउनलोड कर सकते हैं, जितनी चाहें उतनी फ्री डेमो क्लासेस, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये फ्री, ये लिखा हुआ है फ्री, तो ये डेमो क्लासेस यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करें, इनको देखें आराम से यदि आपको आइडिया चाहिए। और वैसे तो मैं YouTube पर भी पढ़ाता हूँ, YouTube के मेरे वीडियो क्लासेस आपने देखे होंगे, तो YouTube पर भी कंटेंट आपको मिलता रहेगा, लेकिन वीडियो कोर्स में पूरा प्रोफेशनल तरीके से आपको सिस्टमेटिक तरीके से सारा कंटेंट एक ही जगह पर मिलता है, रियल कंटेंट मिलता है, रियल ट्रिक्स आपको मिलती हैं। और इंग्लिश सेक्शन यदि आपके लिए ऑब्स्टिकल है, आपको लगता है कि इंग्लिश सेक्शन आपका सिलेक्शन रोक रहा है, तो इस कोर्स को आप तुरंत ज्वाइन करें, इसको फॉलो करें, और एक साल के अंदर 10 या 12 एग्ज़ाम को आप टारगेट करें, 2 या 3 एग्ज़ाम में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, और बैंक में आप अधिकारी बन सकते हैं यदि आप इस ट्रिक को, यदि मेरी स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं तो। और सारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, SBI PU का एग्ज़ाम आने वाला है जुलाई में, उसका प्री है, सबके कैलेंडर्स आ चुके हैं, तो ये एग्ज़ाम, इनका नोटिफिकेशन तो आना ही आना है। SBI PO का भी आएगा, SBI क्लर्क का भी आएगा, उसके बाद फिर अक्टूबर में आपका IBPS शुरू हो जाएगा। तो ये सारे एग्ज़ाम देते हैं और एक साल तक आप तैयारी करते हैं तो क्यों नहीं सिलेक्शन होगा, कोई रीज़न ही नहीं है। क्योंकि जब वैकेंसीज निकलती हैं तो उसमें स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं, और वो स्टूडेंट्स कौन होते हैं, वो हम और आप में से ही स्टूडेंट्स होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं, केवल उनकी स्ट्रेटजी अलग होती है, एक सीरियस स्ट्रेटजी को वो फॉलो करते हैं। और बैंकिंग एग्ज़ाम में आपको रात दिन एक पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आप 4 से 5 घंटे की तैयारी करते हैं, लेकिन एक सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करते हैं तो आप बैंकिंग एग्ज़ाम को आप निकाल सकते हैं। तो
इस ऑफर में मैं बैंक पीओ के साथ एक बैंक क्लर्क का कोर्स पूरा फ्री दूंगा और आपको ई बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, और इस कॉस्ट को यदि आप 12 से डिवाइड करें तो 200 रुपये महीने की आपकी कॉस्ट पड़ेगी, यानी इसकी जो फीस है वो एक LKG और UKG के बच्चे की जो फीस होती है, ट्यूशन जो फीस होती है, उससे भी ये कम है। मतलब फीस तो इसको आप बोल ही नहीं सकते, बहुत ही कम इसकी फीस है। इसको आप ज्वाइन करें और सीरियस तरीके से आप तैयारी करें, निश्चित रूप से आप बैंक का जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं 2019 में। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो क्लास को मैं ख़त्म करता हूँ। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं इस ऑफ़र को, और ये ऑफ़र केवल एक दिन यानी आज के लिए ही वैलिड रहेगा। बाद में आप बैंक पीओ का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बैंक क्लर्क का कोर्स जो जो इसमें आज मैं फ्री दे रहा हूँ वो नहीं मिलेगा, और 11 ई बुक्स भी आपको फ्री नहीं मिलेंगी। बाद में आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आज आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें एक बैंक क्लर्क का कोर्स और हमारी जो ई बुक्स हैं तो वो सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास को। यदि आपको ये ऑफ़र अच्छा लगा है, यदि आपको मेरी अप्रोच अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, फर्स्ट टाइम यदि आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो क्लास को, इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।